नमस्कार दोस्तों, सभी का दिन शुभ हो। स्वागत है मेरे YouTube चैनल चंद जी कॉमेडी में। सभी लोग बने रहे, मेरे वीडियो को पूरा देखें। मैं एक छोटा सा ब्लॉग है तो जो आज भटोले के उसमें बनाया हूँ, तो मेरी लाइफ पार्टनर होकर कहीं तैयार जाने के लिए, तो हम लोग वहाँ घर से निकल लेते हैं। तो निकलने के बाद फिर चले जाते हैं मार्केट में। मार्केट में हम थोड़ी सी छोटी एक शॉपिंग करते हैं कपड़ों की। उसके बाद वहां से तो सीधे मैंने पहुंचते कर हैं लिया अपने अपने बहन बहन के के घर घर में पर। एंट्री। तो मैं पहुंच गया हूँ अपने बहन के घर के बैठक में, तो वैसे ही बैठा था। तो उसके बाद पीछे से मेरी लाइफ पार्टनर आ गई बटोले का सामान लेते हुए। तो हम लोग वहां पर आके बैठ गए। जैसे ही हम बैठे थे तो फिर प्रवेश हुआ हमारे बहन के जमाई, हमारे मेरे बहनोई साहब का। तो तो उसके हमको बाद आने से बहन पहले ही बहन ने के सब पकवानों को बना के तैयार रखा हुआ बहन था ने कि हमारे बनाए भैया लोग आएंगे और बटकू खाने करके। पकोड़े तो मेरी लाइफ सेल पार्टनर लग गई है पूरी धकेलने में, तो मैं भी उसको खा सब्जी लेता हूँ। चिकन तो मेरी बहन सभी चीज लाती एक की ठंडा बहन सा ले जाए पानी और पानी आज बहुत खुश है क्योंकि उसका अपना जग बिटोला में कर आया है। तो खाना वाना खा लेने के बाद हम और लोग धीरे धीरे पेप्सी नहीं दिखा बात कुछ बात करते हैं, फिर निकल लेते हैं टनकपुर आमबाग की तरफ। तो काफ़ी धूप लगी हुई है और ठंडी सी हवा भी चल रही है। काफ़ी सुहावना मौसम और इसका आनंद लेते हुए हम लोग आमबाग की तरफ बढ़े जा रहे हैं। तब तक वहाँ से पूर्णागिरी का एक जत्था आ रहा है, तो उसको भी हमने देखा है। जय माता दी भैया जय माता दी। जय माता की बोलते हुए हम भी आगे पहुँचे अपने बहन के घर पे आमबाग। तब तक हमसे पहले हमारे चाची लोगों का प्रवेश हो चुका था, तो मेरी लाइफ पार्टनर भी पीछे पीछे उनके यहाँ पर पहुँच गई है। तो फिर हम लोग अपने अरे सासू माँ जी से बढ़िया अपना फिर छोटे से हमारे भांजा भांजी और एक भतीजा, जो ऑलरेडी पहले पहुँचे थे बढ़िया और छोटी सी क्विट बहन जिन्हें हम लोग इसकी बहनी रोने लग पाकर गई। चिल्ला के। तो उसके बाद हम लोग आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने के बाद एक फोटो शूट करते हैं। फोटो शूट कर लेने के बाद फिर सीधे वहाँ से हम लोग आने की तैयारी करते हैं। जैसे ही हम वहाँ से निकल आते हैं तो हमारी बड़ी बहन के घर पे वहाँ पर बिटोला देना शेष था। तो खाना वाना हम लोग बन के तैयार। तो हम लोग खाना वाना खाने के बाद फिर वहाँ से निकल आते हैं। काफ़ी वहाँ पर आज गमलों की सजावट चल रही है, रंग बिरंगे गमलों में हाँ डब्बा रंग रोगन किया गमले जा बना रहा रहे है। तो काफ़ी सुंदर गमले बनाए जा रहे हैं, जो दही के डब्बे होते हैं उनमें रंग लगा के काफ़ी अच्छा निखार दिया है। तो इसमें रंग बिरंगे फूलों से सजाया कोई जाएगा। भी डब्बे हों या कोई चीज़ भी वेस्टेज नहीं जाती, अगर उसकी सजावट कर दी जाए तो गया बढ़िया करके कोई भी आकार दिया जा सकता है, ताकि फूल पौधे लगाएं गमले बन जाते हैं। ये नहीं कि बाजार से ही लाए हुए गमले में फूल लगते हैं। तो हम पहुंच जाते हैं फिर अपने बड़ी दीदी के घर पर, जहाँ पर सासू माँ जी हमारी बैठी हैं। हम अरे लोग आशीर्वाद लेने के सुनानंद बाद मैं बैठा अपनी बहन के साथ, तो अपनी बहन के साथ हमलाय हमने गुफ्तगू की, गप्पे लगाए और वहाँ पर चाय पकौड़ी नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग निकल आते हैं। तो सुंदर से 5-7-1 कबूतरों का झुंड आंगन में चर रहा था। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे टनकपुर मेरे ससुराल में बिचई थी पूजा। तो हम भी पूजा में गए। पूजा खत्म होने के बाद प्रसाद ग्रहण करने लगे सभी लोग शांतिपूर्वक ढंग से। तो मैंने हम लोगों ने भी प्रसाद ग्रहण किया और आंगन में बैठ गए सभी अपने लोगों से दुआ सलाम करते हुए। तो धूप भी काफ़ी खिली हुई थी, असहनी हो रही थी, हल्की सी हवा भी चली रही थी, बादल भी लगे हुए थे। तो मज़ा आ रहा था बैठने कैसा में लगा क्योंकि मेरा अपने लोग ब्लॉग? बहुत सभी अनिवार्य लोग मिलते कमेंट हैं। करके जरूर तो मैं बताना। बैठ गया फिर बहन मिलते पकड़ हैं में, तो नेक्स्ट ब्लॉग ये में। तब मेरी तक के लाइफ लिए पार्टनर की जय बड़ी श्री राम। अच्छी।